नमस्कार, अभी हम खड़े हैं भिथा प्रखंड के भुईधरवा पंचायत में, जहां 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव होने हैं, जिसका प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन चल रहा है, जिसको लेकर जितने भी प्रत्याशी हैं पूरा अपना जोर लगा रहे हैं और जन जन तक जा रहे हैं और अपना अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ भुईधरवा पंचायत से एक मुखिया प्रत्याशी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं और पंचायत के बारे में जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मजहर हुसैन। प्रत्याशी आप हैं? आपका जो चुनावी एजेंडा है वो क्या है? मेरा चुनावी एजेंडा यही है, गरीबों को मुफ्त आवास देना, राशन कार्ड बनवाना, रोड बनवाना, बिजली देना, शुद्ध पानी देना, तमाम सरकारी योजनाओं को गरीबों तक पूर्ण रूप से निष्पक्ष पहुंचाना। आपको कितना समर्थन मिल रहा है? हमको जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो पंचायत की जनता के लिए क्या करेंगे? हम चुनाव जीतने के बाद पंचायत की समस्त जनता के लिए पूर्ण विकास का काम करेंगे। यहाँ पर युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है? युवाओं का 80% समर्थन मेरे साथ है। कितना दावा करते हैं? हमारे जीत में हमको लगता है कि हमको 2000 से अधिक मत मिलेगा। तो हमने जाना, यहाँ के जो मुखिया प्रत्याशी हैं, अभी कुछ हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? अशफाक अहमद। इस बार भुईधरवा पंचायत में जो चुनाव हो रहे हैं पंचायत का, जी, तो मुखिया के रूप में इस बार किसको देखना चाह रहे हैं? सैरुन नेसा को। क्यों? क्योंकि विकास वही ला सकती हैं। इसके पहले जो हुआ है, जो मुखिया थे, वर्तमान जो मुखिया हैं, वो विकास समझिए कि जीरो हैं। जल नल योजना जो है उसमें भी समझिए कि कहीं पानी नहीं आता है, सब बंदे पड़ा हुआ है। तो इनसे उम्मीद है कि ये उसका व्यवस्था ठीक करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र कुमार गुप्ता। इस बार भुईधरवा पंचायत से मुखिया के रूप में किसको देखते हैं? सरुन नेसापति मजहर हुसैन। क्यों? क्योंकि हमारे पंचायत के सबसे आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया अभी तक, जितना हमारे प्रखंड में, सॉरी हमारे पंचायत में जितना अभी तक गमन हुआ था, सब उन्होंने सब लोगों को जागरूक किया और सबको दिखाया कि हमारे पंचायत में ये चीज़ चोरी हुई है, ये चीज़ छुपाया गया है। सबको उजागर करने वाले मजहर हुसैन हैं। मैंने उनको बहुत अच्छा समझ करके, मैंने उन्हें अपना पूरा हर चीज़ लगा कर हर ताकत के साथ उनके साथ वोट देने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि मेरे सारे नौजवान युवा लोग उनके साथ सदैव तत्पर हैं, उनको चुनाव जिताने के लिए हर संभव प्रयास है। कितना विश्वास है आपको? मेरा 99% विश्वास है कि हम लोग चुनाव 2000 प्लस करके वोट पाएंगे और चुनाव अच्छे वोटों से यहाँ लीड करेंगे। तो हमने एक ग्रामीण से जाना, कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? अब्दुल गफ्फार नाम का। इस बार भुईधरवा पंचायत से मुखिया के रूप में किसको पसंद करते हैं? हम सैरुन नेसा को पसंद करते हैं। इसलिए कि वो बिना मुखिया रहे हुए और वो हमारे पंचायत के विकास के लिए इतना काम किया है, जल नल योजना जो सचिव के माध्यम से उन्होंने करवाया है, वो हमारे पश्चिमी चंपारण में एक मिसाल है। और भी जो हमारे पंचायत में जितने पहले के मुखिया द्वारा लूट घसोट किया गया था, उसको उजागर किया है इन्होंने, उस पर कार्रवाई करवाया जा रहा है, इसलिए हम लोग इनके साथ हैं। कितना विश्वास है कि 100% हमारा विश्वास है कि हम लोग जीत चुके हैं चुनाव। तो हमने यहाँ के कुछ ग्रामीणों से जाना कि यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया ये लोग दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे बता दें कि 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव का जो अंतिम चरण का मतदान है वो गंडक पार में हो रहे हैं। बगहा से सुभान अंसारी, पटना न्यूज 24।